अब हमारे राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय जी अपना विचार प्रकट करेंगे हमारे सामने प्रेसिडेंशियल एड्रेस। तो ये है गवर्नर ऑफ हरियाणा। आज चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय 14 दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत जी और हमारे डीएवी कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन श्री पूनम सूर्य जी, कर्नल डॉक्टर रामपाल सिंह जी, वाइस चांसलर प्रोफेसर रविंद्र मोहन जी, प्रोफेसर एसके सिन्हा जी, डॉक्टर निहाल सिंह जी, प्रोफेसर दीप्ति दमानी वीसी अपने चौधरी बंसीलाल यूनिवर्सिटी के वीसी हैं और धर्मदेव विद्यार्थी जी डायरेक्टर हरियाणा साहित्य अकादमी और सभी उपस्थित महानुभाव पदाधिकारीगण अतिथिगण पत्रकार और छायाकार बंधु विद्यार्थी और विश्वविद्यालय के कर्मचारी सभी उपस्थित सज्जन, मुझे चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में शामिल होकर बड़े गर्व का अनुभव हो रहा है। विद्यार्थियों के लिए यह गौरव की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी इस दीक्षांत समारोह में शामिल होना हमारे लिए बहुत ही शोभा की बात है। उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जो हमारे सूर्यकांत जी हैं वो जिंदगी ही रहने वाले यही बड़े हुए और एक युवा एडवोकेट के नाते से उन्होंने बहुत ही अच्छा जीवन प्रारंभ करके चंडीगढ़ हरियाणा पंजाब के हाईकोर्ट में जज बनकर बाद में हिमाचल प्रदेश के चीफ जस्टिस में और आज सुप्रीम कोर्ट में न्यायमूर्ति है और रिटायरमेंट होने के बाद भी पहले मुझे विश्वास है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी बनने वाले हैं। आप विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणा है। एक मामूली परिवार से ग्रामीण परिवार से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनना ये बहुत ही जो है महत्वपूर्ण कार्य है। उनको आप सभी आदर्श लेंगे ऐसा मैं विश्वास करता हूं और वैसे ही दूसरे महानुभाव आज जिनको हमने डॉक्टरेट ऑफ फिलॉसफी दिया है उनका नाम है पूनम सूर्य जी। उन्होंने भी बहुत बड़ा काम किया है। वो पद्मश्री भी है, पद्मश्री भी है, पद्मश्री मामूली नहीं मिलता, बहुत सेवा करने से ही पद्मश्री मिलता है और पद्मश्री इसलिए मिला उनको शिक्षा क्षेत्र में जो डीएवी पब्लिक स्कूल्स है देश में और प्रथम श्रेणी वाली संस्था शिक्षा संस्था डीएवी है।
और उनका जो भी संस्था है, 900 संस्थाएं उन्होंने शुरुआत की है, 900 इनिशिएटिव इन रनिंग वो कार्ड दिया था आपको, वो कार्ड के बारे में भी बताया, वो एक कार्ड मुझे दिया था, वो कार्ड में ठीक समय हंसते रहिए, हंसते रहिए, खुशी में रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही उनका जो है संदेश, यही उनका संदेश। मामूली विषय नहीं है, हंसते रहना मामूली विषय नहीं है, कोई हंसो बोले तो हंस नहीं सकता, हंसना मन से आता है, हंसना जो है दिल से आता है, तो इसलिए उन्होंने काफी समाज में सेवा किया है, उनको शिक्षा में और अपने वातावरण में और वैसे ही जो है उनका बहुत ही एनवायरमेंट के बारे में और सेव वाटर के बारे में उन्होंने जो सेवा किया है वो हमारे लिए विद्यार्थियों को बहुत ही आदर्श है, उनको भी हम सब लोग आदर्श के रूप में लेंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और आज दीक्षांत समारोह है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोगों के जीवन में दीक्षांत समारोह बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपने बहुत ही मेहनत किया है, कड़ी मेहनत किया है और कुछ वर्षों से आप लोग एक तपस्या कर रहे हैं और आज एक ऐसा दिन है आपके जीवन में आपको अपना सर्टिफिकेट डिग्री मिलेगा, आप बहुत ही कष्ट करके पढ़कर आप लोगों ने ज्ञान अर्जन किया, उसके लिए मैं आप सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद। और साथ ही साथ आपके माता पिता वो भी आपसे बहुत आशाएं रखते हैं, हमारे लड़के या लड़कियां पढ़े हैं, अभी पढ़ने के बाद ये लोग क्या करेंगे, वो लोग देखते रहते हैं हमारा लड़का क्या करे, हमारे लिए क्या करेगा, परिवार के लिए क्या करेगा, वो क्या बनेगा, कैसा बनेगा, जीवन में क्या शुरुआत किया है, आपके माता पिता ने बहुत से आशा भी रखा है और वैसे ही आपको भी रहता है, अब तक आप कोई दिमाग में जो है नौकरी नहीं करना है, समय नहीं समझ नौकरी देव गुज दे कर नौकरी करना चाहिए, लेकिन आपके मन में ये होना चाहिए केवल मैं नौकरी के लिए नहीं पढ़ा, केवल नौकरी के लिए मैं नहीं पढ़ा, मेरे कुशलता से मेरे ज्ञान से और मेरे विश्वास से मैं जो है केवल नौकरी ढूंढने वाला नहीं रहूंगी, नौकरी ढूंढने वाला नहीं रहूंगा, मैं नौकरी देने वाला रहूंगा, ऐसी आपकी मानना होगा। मैं दस लोगों को नौकरी दूंगा जैसा आप, और तीसरा विषय आपको जो आपके गुरुजनों ने पढ़ाया है, जो आपके प्रोफेसर हैं लेक्चरर्स हैं जो पढ़ाया है, वो लोग भी बहुत मेहनत किया है, मेहनत करके आपको इस स्तर तक लाया हुआ है, उसके लिए उनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, आपको आपके परिवार को और आपके गुरुजनों को तीनों को भी धन्यवाद देता हूँ। मेरा जीवन का ही उदाहरण आपको बता दूं, मैं आज आपके सामने राज्यपाल के रूप में ठहरा हूं, लेकिन मैं बहुत गरीब परिवार से, मेरे माता जी गंज में ब्याज में स्थित थी, वो भी भंडार होते हैं जैसा नीचे जो है सब्जी बेचते हैं,
ऐसे जो है सब निवेश थे। मैं जो पढ़ रहा था वो समय जो है बहुत ही मुश्किल का समय, लेकिन मेरे माता जी को मैं सहारा करने के लिए जाता था, में जाता था। अरे कहाँ बैठ गई यार गरीब। लेकिन मेरे माता के जो भी रिलेटिव्स है पछे पड़े, पछे पैसे वाले इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहे, मुझे लगता था कि भाई मैं कैसा, लेकिन मेरे मन में था ठीक है हम तो काम करते रहेंगे, ऐसे ही थोड़ा व्यापार कर लेंगे, ऐसा मेरा मन में रहता था। लेकिन मेरे माता जी कहते थे कि तुम मेरे जैसे काम नहीं करना, तुम शिक्षा लेना चाहिए, पढ़ना चाहिए, पढ़ के आगे बढ़ना चाहिए, ये बात मेरे माता जी कहते थे। लेकिन मेरे हमारे सारे मामा ये सब लोग थे वो बोलते थे कि ये लोग पागल हो गए, ये कहीं पढ़ेगा नहीं, ये काम नहीं करेगा, ऐसा तो मैं वातावरण था, मेरा आजूबाजू का वातावरण था। मैं बहुत खेलता था, बहुत खेलता था, कबड्डी क्रिकेट टेनिस बैडमिंटन सब खेलता था, पढ़ना जो है परीक्षा के टाइम में ही पढ़ता था, लेकिन पास हो गया, मेरे को ज्यादा डिस्टिंक्शन नहीं आता था, था लेकिन मेरे को एक अच्छे माँ बाप ने उन्होंने मिलकर मुझे तो रास्ता बताया, उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया, वो डॉक्टर के मेडिकल अभी भी है वो अमेरिका में, उनका नाम है डॉक्टर मनोज शिंदे, उन्होंने मुझे एक रास्ता बताया कि तुम इधर आओ आगे शिक्षा ले लो। मैं शिक्षा लिया, जहां मैं गया था उन्होंने मुझे एक कहानी बताई, एक कहानी बताई, छोटा सा कहानी है, वो है नेपोलियन द ग्रेट, नेपोलियन का कहानी मुझे बताया, मैं नेपोलियन का कहानी में उन्हें बताया कि नेपोलियन जो है उनके डिक्शनरी में There is a no word impossible in his dictionary. Impossible is a dictionary मतलब कि ये मैं कर सकता हूं बोल के उन्होंने जो है फ्रांस में जो है सारे दुनिया जो है उनका आजूबाजू देश उनको खत्म करने के लिए देख रहा था, लेकिन उन्होंने फौज को आदेश देकर ऑप्शंस के आगे चलाकर जो बचकर जो है महाराजा बना। जब उन्होंने मुझे बताया जब उन्होंने मामूली सेना से वो चक्रवर्ती बन सकता, इम्पॉसिबल वर्ड नहीं बोलिए, जब बोला हमारा जीवन में क्यों नहीं कर सकते, मेरे मन में भी मैंने लिया मैं भी जो है पढ़ना चाहिए, मैं पढ़ा हूं, पढ़ते पढ़ते मैं बोल रहा हूं आपको, मेरा ये हो गया मेरे परिवार लोगों को देखकर मैंने समझा नौकरी तो कर ले, मैं बैंक का एग्जाम लिखा हूं, बैंक में मेरे को नौकरी मिली, लेकिन मैं नौकरी गया मेरा मन माना नहीं, मैं जब नेपोलियन का स्टोरी सुना मैं और गुस्सा बना, केवल नौकरी करके नहीं बनना मैं और गुस्सा बनना बोल के मैं समाज सेवा के लिए काम करने के लिए घर छोड़कर बाहर निकल गया, 25 साल के बाद घर आया, इसलिए आपके सामने आज राज्यपाल के रूप में खड़ा हूं। You should become something high. मैं कभी सोचा नहीं मेरे जीवन में मैं मंत्री बनूंगा, गवर्नर बनूंगा, सोचा भी नहीं है, लेकिन हम काम करते करते जाए, विश्वास भावना से काम करते जाइए, रास्ता आपको मिल जाए, और मुझे बहुत खुशी है आज जो है लड़कियां 6 नंबर में बैठी हैं, उनको मैं बधाई देना चाहता हूं। मरती आमिलिया देख पंडित का
तमिल पिटिया कर पाल आभार दे रहे थे हमारे जस्टिस साहब हमारे प्रधान जी मैं दे रहा हूँ आभार दे रहे थे बोल मिले मैं नंबर देख रहा था पहली जो आभार बोल मिल जब दे रहे लड़की ने आई फिर बाद में देखा मैं दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ तक बैठ जाए दसवें नंबर पे जो है लड़का दस ग्यारह बारह से छोड़ के बाकी पूरा बैठ गया तो सारे जो है नंबर में तो गोल्ड मेडल दिया गया तो गोल्ड मेडल में जो है 21 गोल्ड मेडल दिया गया उसमें से पांच लड़के हैं और 16 जो है लड़कियां और लड़कियां जो है काफी अच्छे आए 24 गोल्ड मेडल में से 18 जो है लड़कियों ने लिया है 6 लड़के लिए इसलिए आज महिला काफी आगे बढ़ रही है लेकिन मेरा आप लोगों से अपील है विज्ञान है आप लोग और अच्छा जो है पढ़िए यहीं तक मत रोकिए पढ़ना जो है जीवन भर पढ़ते रहना चाहिए ऐसे बस समझिए कि मेरा पीएचडी हो गया मेरा खत्म हो गया डॉक्टरेट हो गया और आगे बढ़ते रहिए नौकरी मिला तो नौकरी करिए नौकरी नहीं मिला तो भी आगे और कुछ तो नहीं करते रहे लेकिन यू मस्ट गेन नॉलेज ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और जितना आप स्किल में आएंगे निपुणता बहुत जरूरत है जितना निपुणता रहेगी उतना अच्छा आपको नौकरी मिलेगा आज हमारे हिंदुस्तान में इंडिया में मैं लेबर मिनिस्टर से काम कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी के सरकार में लेबर मंत्री था श्रम मंत्री था इंडिया में जो वर्कफोर्स है 93% अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स असंगठित लोग हैं स्किल नहीं है नौकरी कैसा मिलेगा लेकिन मैंने देखा जापान में देखा जर्मनी में देखा इवन चाइना में भी देखा वहां जब देखा मैंने जापान में 89% जर्मनी 91% साउथ कोरिया वो भी जो है करीब करीब 92% हर फील्ड में अच्छे आगे बढ़ रहे हर फील्ड में अच्छे आगे बढ़ रहे मैंने पढ़ा था अभी ज्यादा मैं नहीं पता होगा लेकिन मुझे खुशी है खेल में और कबड्डी में कराटे में भी आप लोग बहुत अच्छे इंटर यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आए वहां से उनको भी मैं अभिनंदन करना था और साहित्य में भी भाषा में भी आप लोगों ने जो आगे बढ़ाया उसके लिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं साहित्य में भी आप काफी आगे बढ़ाए तो इसलिए इस विश्वविद्यालय के और बहुत अच्छी बात है हमारे विश्वविद्यालय के जो कुलपति है उनको भी इस बीच में हमारे दिल्ली में भारत सरकार द्वारा हमारे यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर रणपाल सिंह जी को कर्नल कमांडेंट की मानव पुरस्कार मिला उनको भी जो है मानव पुरस्कार मिला और उनको भी जो है मैं शुभकामनाएं देता हूं और विश्वविद्यालय को भी शुभकामनाएं देता हूं अंत में मैं कह रहा हूं कि आप लोग नॉलेज नॉलेज सोसाइटी नॉलेज इज पावर मनी इज नॉट पावर पैसे के लिए मत ढूंढिए पैसे के लिए जो ढूंढने वाला रहता है वो कभी ऊपर नहीं आता मेरे जीवन में मैं देखा पैसे के लिए जाएंगे पैसे मिल जाएंगे लेकिन ज्ञान प्राप्ति करेंगे
सहारा मिले, इसलिए मेरा आपसे प्रार्थना है नॉलेज इज पावर, मनी इज नॉट पावर, यू शुड गेन नॉलेज 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 सोसाइटी बनाइए, नॉलेज आपके रूप में आप लोग रहिए, उससे ही जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो इसलिए उसके बाद में आपका सबसे ज्यादा महत्व है, और भारत सरकार ने भी 2020 में नई शिक्षा नीति लाई है, नई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किया है, नई शिक्षा नीति में आज जो विषय लागू है उसमें सबसे ज्यादा महत्व है साइंटिफिक टेम्पर, एजुकेशन विद साइंटिफिक टेम्पर, एजुकेशन विद मॉरल वैल्यूज, एजुकेशन विद एंटरप्रेन्योरशिप। इसे जय ने जो है विषयों को आगे बढ़ाया, और मुझे खुशी है अपना विश्वविद्यालय भी नई शिक्षा नीति को आगे बढ़ाने में अच्छे स्तर में रहा है, उसके लिए भी मैं अभिनंदन करना चाहता हूं, नई शिक्षा नीति भी अमल कर इसको और आगे बढ़ाने। अंत में मैं कहूंगा सबसे ज्यादा महत्व है शिक्षा में चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग इज मोस्ट एसेंशियल। कैरेक्टर बिल्डिंग में हमारा व्यक्तित्व बढ़ता है, तो इसलिए शिक्षा का कुल जो है सूर्यकांत जी भी बताया, विवेकानंद जी का भी जो है कोट किए थे, विवेकानंद जी कहा था अवेक एंड अराइज, लेट नॉट स्टॉप टिल द गोल इज रीच। ये आत्मविश्वास रखिए, वो आत्मविश्वास से आगे बढ़िए। तो इसलिए आप चरित्र निर्माण करना, जितना आपका चरित्र अच्छा रहेगा उतना आपको समाज में जो है गौरव मिलेगा, समाज में आपकी उन्नति बढ़ेगी। इंग्लिश में एक प्रावर्ब है, एक कहावत है, इफ मनी इज लास्ट नथिंग इज लास्ट, पैसा चले गए कुछ भी नहीं होगा, पैसा कमा सकते हैं। इफ हेल्थ इज लास्ट समथिंग इज लास्ट, अगर स्वास्थ्य बिगड़ गया थोड़ा मुश्किल है फिर जो है इसको प्राप्त करना। इफ कैरेक्टर इज लास्ट एवरीथिंग इज लास्ट, इसलिए इस बात को आप लोग ध्यान में रखना चाहिए, हर विद्यार्थी जो है इसको ध्यान में रखना चाहिए, और हम जीवन में हमारा कैरेक्टर बिल्डिंग समाज की सेवा करना चाहिए, आदिवासी लोगों की सेवा करना चाहिए, अनपढ़ों की सेवा करना चाहिए, गरीब की सेवा करना चाहिए, ऐसे हम जो समाज में भागीदारी बनना चाहिए। इसलिए हमने देश के प्रधानमंत्री जी बाई 2047 विकसित भारत बनाने का और विकसित हरियाणा बनाने का संकल्प लिया है, आप लोग भी इसमें भागीदारी बनना चाहिए। विकसित भारत भारत को दुनिया में सुपर पावर बनना चाहिए, मुझे विश्वास है हमारे लोग जो है बहुत जीनियस है, बहुत अच्छे इंटेलिजेंट है, भारतीय युवा पीढ़ी बहुत अच्छा है। इस बीच में एक सर्वे दिया गया, उस सर्वे में बताया गया बाई 2030 3 करोड़ जॉब्स आर कमिंग, 2030 में 3 करोड़ जॉब आने वाले, मुझे विश्वास है हमारे भारतीय लोग अच्छे जो है तकनीकी के रहेंगे, 3 करोड़ में से 2 करोड़ भारतवासी जो है वो नौकरी लेंगे, नौकरी प्राप्त करेंगे, इतना हमारे लोग निकल जाएगा। अभी भी सारा विश्व में हमारे लोग कमाइए, माता पिता को भेजिए, इसमें कोई शंका नहीं, लेकिन आपके माता पिता को, आपके गांव को, आपके रणवीर सिंह विश्वविद्यालय को जीवन में कभी भी भूलना ना चाहिए। जैसे आज सूर्यकांत जी बैठे सुप्रीम कोर्ट जज बने हुए,
लेकिन वो मुझे बताया फ्रेंड में मैं दिल्ली का रहने वाला आदमी, मैं दिल्ली का रहने वाला आदमी, उन्होंने मुझे बताया था फ्रेंड में, फ्रेंड में मुझे लास्ट टाइम मिले जब बताया, ये जो है भावना ना था, मैं यहां का रहने वाला हूं, मैं यहां के लोगों के लिए, यहां के अड़ोसी पड़ोसी के लिए सेवा करने के लिए तैयार, ये बात आप मन में ध्यान रखिए। तो आपको अंत में एक ही छोटा सा श्लोक सुनाकर समाप्त करना, वो श्लोक है रामायण का है। रामायण में राम जी जो है लंका पर विजय प्राप्त करते हैं। लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद उनके भाई जो है लक्ष्मण जी थे, वो लक्ष्मण जी उन्होंने राम जी से कह रहे थे, राम जी ये लंका जो है बहुत ही सुंदर है, ये सोना है, एवरीवेयर सोना सोना है, तो इसलिए लंका हम नहीं छोड़ना चाहिए, हम लंका में ही रहना चाहिए, लंका इतना सुंदर है इसलिए लंका नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन राम जी ने कहा, राम जी ने कहा संस्कृत के श्लोक में कहा, अपि स्वर्णमयी लंका, लंका जो है स्वर्णमयी होगा, नमे लक्ष्मण रोचते, मुझे इच्छा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। क्यों अच्छा नहीं लग रहा है? जननी जन्मभूमि स्वर्गारणेश, मैं जहां जन्म लिया वहीं जाऊंगा, वही मैं राज करूंगा, वही मैं सेवा करूंगा, ये भावना उनके मन, ये भावना हम लगना चाहिए, बहुत बड़ी भावना है। तो आप सब लोग डिग्री प्राप्त करके और आपको आपके विश्वविद्यालय के सभी लोगों को, विशेष करके आज हमारे माननीय न्यायमूर्ति श्री सूर्यकांत जी, उनका भी मैं आभार हूं कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से समारोह को गौरवान्वित किया है, और श्री पूनम सूर्य जी को भी शोध उपाधि के लिए हार्दिक बधाई देता हूं। और अंत में एक बार फिर इस विश्वविद्यालय का चतुर्थ दीक्षांत समारोह आयोजित करने पर आप सभी को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं, और विद्यार्थियों को सफल एवं मंगलमय जीवन में सफलता मिलने के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करते हुए समाप्त करता हूं। जय हिंद।